संगम युग है मौजों का युग, क्या रावण का युग है रोने का युग। रावण रुलाता है तो रोने का ही युग होगा ना। और भगवान बाप तो राम नाम है उसका, रमण कराता है। योगी लोग जिसकी स्मृति में रमण करते हैं, खेलते हैं, प्रसन्न रहते हैं, वो है राम। रम्यते योगिनो स्मरन्ति राम। भगवान राम उसका काम है हंसाना, खुश करना। तो जहां खुशी रहेगी वहां संगम युग में मौज ही मौज है। कब? जब भगवान का ज्ञान धारण करेंगे। अज्ञान में रहेंगे तो रोएंगे, क्योंकि अज्ञान आता है बाहर की दुनिया से और ज्ञान आता है ईश्वर से। तो हमारी बुद्धि में अगर ज्ञान टपकता रहे हर समय तो हम खुश मौज में रहेंगे। हमारे मौजों की शूटिंग होती रहेगी, रिहर्सल होती रहेगी। ये 84 जन्मों की रिहर्सल का टाइम चल रहा है। हमारी आत्मा की जो 84 जन्म है, उन 84 जन्मों में अगर खुश मौज में रहना हो तो क्या करना है? ईश्वर की याद में रहना है, ईश्वर के ज्ञान में मस्त रहना है। ये मौजों का युग है, ये रोने का युग नहीं। अगर हम रोएंगे तो रावण का वर्षा ले रहे हैं, रावण का वर्षा लेंगे तो फिर द्वैतवादी द्वापर युग जब शुरू होगा। द्वैत द्वापर, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो मतें, दो से चार, चार से आठ, दुनिया में मत मतांतर बढ़ते ही जाते हैं। उस द्वापर कलयुगी रावण की दुनिया में हम जाकर के दुखी होते रहेंगे। इसलिए अभी भगवान के बच्चे बनने के बाद रोने की शूटिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो कहेंगे भगवान बाप को पहचाना ही नहीं। या परसेंटेज में पहचाना है, बाप को पूरा पहचाना नहीं है।